बनारस, हमारा बनारस, जहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है। काशी संसार की सबसे प्राचीन नगरी है, जिसे भगवान शिव ने खुद बसाया था। कहते हैं महादेव की त्रिशूल पर टिकी हुई है ये काशी नगरी, जहाँ स्वयं गंगा माँ विराजमान हैं, जहाँ 84 घाट हैं, जहाँ आज भी रोज शाम को गंगा किनारे गंगा आरती होती है, जहाँ हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका जैसे महाशमशान घाट हैं, जिसके चीता की आग कभी नहीं बुझती, जहाँ आज भी मुर्दों के राख से खेली जाती है मसान होली। कुल मिलाकर कहा जाए तो मोक्ष का द्वार है ये काशी नगरी। तो भैया, ऐसा है हमारा बनारस। आइए, मैं और आप मिलकर काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। इस वक्त गदौलिया चौक पे हूँ और काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का मेन रास्ता आपको यहीं से मिलेगा। ये आप देख सकते हो, ये गदौलिया चौक है और मंदिर जाने का मेन रास्ता जो है ये रहा आपका सीधे, और इस साइड से भी जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर आप पहुँच सकते हो। काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के रास्ते में आपको ढेर सारे दुकान मिलेंगे, जिसमें से आपको खाने पीने के दुकान हो गए और पूजा पाठ के दुकान हो गए, काफ़ी सारे आपको दुकान मिलेंगे। और यहाँ पे आपको क्राउड जो है, भीड़ भाड़ जो है, आपको हमेशा ही देखने को मिलेगा। इस तरह से आपको बहुत सारे दुकान के बाहर पोस्टर लगे हुए मिल जाएंगे, जहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि मंदिर के अंदर पेन, माचिस और बहुत सारी चीज़ें ले जाना अलाउ नहीं है। फिलहाल मैं अभी मंदिर के कॉरिडोर एरिया में हूँ, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का नज़ारा यहाँ पे है, क्योंकि अंदर में, मंदिर के अंदर में कैमरा और फ़ोन अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं बाहर से ही कोशिश करूँगा जितना हो सके आप लोगों को दर्शन कराने को और यहाँ का नज़ारा दिखाने को। काशी विश्वनाथ का ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग में से काशी विश्वनाथ जी 7वें ज्योतिर्लिंग हैं। इस ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति दोनों विराजमान हैं। मंदिर के गर्भगृह में 37 किलो सोना लगा हुआ है। बाबा काशी विश्वनाथ का शिवलिंग 60 सेंटीमीटर है, और कहते हैं जो भी यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करता है उसकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। हर हर महादेव। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रामेश्वरम भवन है और जस्ट इसके बगल में ही अहिल्याबाई होलकर का एक स्टैचू लगाया गया है, प्रतिमा लगाया गया है, और इन्होंने ही काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण का सबसे पहले नींव डाला था। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, और जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है वो एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है हिंदुओं का, और काशी विश्वनाथ मंदिर में 7वां नंबर ज्योतिर्लिंग है, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान है हिंदुओं के लिए, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये एक मोक्ष का भी द्वार माना जाता है। मंदिर के कॉरिडोर में ही यहाँ पे आप भारती माँ का एक स्टैचू देख सकते हो, और बहुत ही साफ सफाई से इसका भी जो है ध्यान रखा गया है। भारती माँ प्रतिमा के जस्ट पीछे ही ये एक मंदिर है, तो चलिए इस मंदिर के अंदर में चलते हैं और बात करते हैं थोड़ा पंडित जी से। हर हर महादेव पंडित जी। हर हर महादेव। ये मंदिर 54,000 वर्ष पुराना है। इनकी स्थापना राजा मानधाता ने की थी, जो राजा मानधाता भगवान राम के पूर्वज दशरथ जी के परदादा राजा मानधाता, सबसे पहली स्थापना उन्होंने यहाँ पे की। पंचतत्व की, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, 5 शिवलिंग है। पंचतत्व से जो ये शरीर बना है, पंचतत्व की स्थापना की। उसके बाद बद्रीनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, ये सब सारी स्थापनाएँ राजा मानधाता के हाथों की। यही मान खातेश्वर महादेव हैं, मान सम्मान की रक्षा करते हैं। काशी खंडोत्र में इनका पूरा उल्लेख है, काशी खंडोत्र है ये, और शिव पुराण में भी इनका पूरा वर्णन है। बनारस पूरे भारत और इतिहास का बहुत ही बड़ा और भव्य स्थान माना जाता है, यही कारण है कि दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। जैसा कि आप मेरे साथ देख सकते हो, मेरे साथ एक महिला है, एजेड महिला, मम्मी की उम्र की है, और ये जो महिला है वो डेनमार्क से आई हुई है। मैम, व्हाट इज योर नेम? ओइरा। ओइगा, तो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? वेरी 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 स्पेशल। मैम ने जो है वो दर्शन कर लिए भोलेनाथ के, और मैम बोल रही हैं कि इनको बहुत ही अच्छा फील हुआ दर्शन करके। अच्छा 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 अच्छा। तो
अभी हम बनारस के घाट में बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ पे टोटल 84 घाट है जो कि सारे अगल बगल में ही है। और हमारे साथ में एक चाचा हैं, क्या नाम है आपका? खुर्रम बादशाह जो कि नौका बिहार करवाते हैं, नौका के मालिक है। यहाँ पे नौका बिहार का क्या चार्जेस है? चले जाएगा तो एक आदमी 100 रुपया, सवारी में जाएगा 50 रुपया, घाट घूमने का तो एक आदमी 200 रुपया है। अच्छा, सवारी के साथ? अच्छा, तो सवारी के हिसाब से यहाँ पे नौका बिहार करवाया जाता है। अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो आपको कम पैसे में हो जाएगा, अगर आप बोलोगे कि एक अकेले ही रिजर्व करना तो आपको ज़्यादा पैसा लगेगा। ये बनारस, बनारस के घाट और बनारस के ये मंदिर, बनारस का ये नज़ारा कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इस तरीके के आपको ढेर सारे नौका यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और ये बहुत ही बड़ा नौका है और इसमें अगर आप घूमते हो तो इसमें काफ़ी कम चार्जेस आपको लगेंगे, लगभग 50 से 100 रुपये लगेंगे को। इसमें आरती दिखा दिया जाएगा, घुमा दिया जाएगा। फिलहाल मैं अभी नौका पे बैठा हुआ हूँ और नौके के मजे ले रहा हूँ। बनारस के 84 घाट में से 40 घाट मैं घूमने वाला हूँ और आपको भी मैं 40 घाट घुमाने वाला हूँ। तो चलिए साथ में बने रहिए और आप लोग भी घाट का एंजॉय कीजिए। अगर आप बनारस आते हो तो काशी विश्वनाथ का मंदिर और घाट पे होने वाली संध्या आरती, गंगा आरती को कभी मिस ना करें, क्योंकि गंगा आरती देखने वाली होती है, बहुत ही अच्छी होती है और गंगा आरती देख के आपका मन जो है वो काफ़ी ज़्यादा तृप्त हो जाएगा। ये रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है जो कि अहिल्याबाई की दासी रत्नाबाई की लड़की के द्वारा बनाया गया था। मंदिर बनाने के बाद उनके लड़के को घमंड हो गया, उनसे कहा मैं मातृ ऋण से मुक्त हो गया, ऐसा उन्होंने अपने माता से कहा। इसी कारण से माता ने कहा मातृ ऋण से कोई नहीं मुक्त हो पाता, जाओ देखो तुम्हारा मंदिर टेढ़ा हो गया। और तभी से ये मंदिर एक और ही झुका हुआ है। एक और चौंका देने वाली बात मैं आपको बताता हूँ, इटली के लेनिंग टावर ऑफ पिज़ा वो 4 डिग्री तक ही झुका हुआ है, लेकिन हमारा ये रत्नेश्वर मंदिर 9 डिग्री तक झुका हुआ है। भैया अभी जिस मंदिर में मैं हूँ और जिस मंदिर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, उस मंदिर के बारे में मैं आपको थोड़ी बात और बता दूँ कि ये 10 महीने पानी में रहता है और सिर्फ 2 महीने ही ये पानी से बाहर रहता है ये मंदिर, ये शिवलिंग। और फिलहाल अभी मैं इतना ज़्यादा लकी हूँ कि मैं शिवलिंग अभी देख सकता हूँ और मेरे साथ साथ आप भी इतने लकी हो कि मैं आपको भी ये शिवलिंग दिखाने वाला हूँ। तो यही ये शिवलिंग है जो 10 महीने पानी के अंदर रहता है पूरा मंदिर ये, और 2 महीने के लिए ही जो है वो दिखाई देता है, शिवलिंग दिखाई देता है। और अभी 2 महीने का ही पीरियड चल रहा है। सो मैं भी लकी हूँ और आप भी लकी हो, तो ज़ोर से बोलो हर हर महादेव। ये रत्नेश्वर महादेव हैं, इधर रत्नेश्वर महादेव जो कि अहिल्याबाई की दासी रत्नाबाई के द्वारा, उनके लड़के के द्वारा बनाया गया रहा, मगर लड़के को घमंड हो गया, उसने कहा कि मैं मातृ ऋण से उत्तीर्ण हो गया, ऐसा उसने माता से कहा। इसी कारण से माता ने कहा मातृ ऋण से कोई उत्तीर्ण नहीं हो पाता, जाओ देखो तुम्हारा मंदिर टेढ़ा हो गया है। अहिल्याबाई ने यहाँ 1.25 लाख शिवलिंग बैठाया रहा, मगर वो उनकी दासी का लड़का ने ये एक शिवलिंग रत्नेश्वर महादेव के नाम से, जो कि जिस समय बनवाया उसी समय से आज तक टेढ़ा है। इस पर बिजली भी गिरी, टूट गया है, थोड़ा खंडित हो गया है। सो गाइज, आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आप बनारस आते हो तो मेक श्योर दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर और बनारस के घाट जरूर से ज़रूर घूमिएगा, क्योंकि यहाँ पे बनारस के घाट पे आपको सुबह को पॉजिटिव एनर्जी और रात को नेगेटिव एनर्जी भी फील होगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आप लोगों को गलत बता रहा हूँ, लेकिन जो मैंने रियलाइज़ किया वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। बाकी दोस्तों आज के इस व्लॉग में बस यहीं तक। इफ़ यू गाइज लाइक दिस व्लॉग देन मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। I will see you soon next time. Till then, stay safe and be happy.